Hello everybody, welcome back to the channel, welcome back to Understand UPSC. This is Satyam Jain and this is our fourth lecture in the Bharat Darshan series. Okay, and in this particular lecture we'll be looking at the states of Jammu and Kashmir and Ladakh, not the states but the region of, and then Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Rajasthan. Before this we have already done three lectures jisme humne 15 se 16 states already cover kar li hai, and in this particular lecture let's look at these states. सो विल स्टार्ट विद जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करते हैं. दिस इज़ द इंडस रिवर दैट फ्लोज फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया. ओके, एंड ये अभी लद्दाख में कहाँ जाती है हम देखेंगे, बट यहाँ पे अभी हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में. तो सबसे पहले देखो नीचे यहाँ पे चेनाब है, तो चेनाब जो है वो ऊपर गई, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करी, एंड देन यहाँ से दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान. ये यहाँ से पाकिस्तान में एंटर कर गई और आगे जाके इट विल हेयर मर्ज विद झेलम. ठीक है, तो एक जो यहाँ पे हमें क्या कवर करना है, फर्स्ट इज़ द किश्तेश्वर नेशनल पार्क. ओके, अब जो किश्तेश्वर नेशनल पार्क है, चंबल इज़ नॉट डायरेक्टली ड्रेनिंग इट, देर इज़ अ वेरी स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउएवर द नेम इज़ गिवन हियर, बट ये जो चेनाब है वो इसको डायरेक्टली ड्रेन नहीं करती है, इसको डायरेक्टली ड्रेन चेनाब की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी करती है किश्तेश्वर नेशनल पार्क को. ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे. फिर ये एक इम्पॉर्टेंट आपकी लोकेशन भी हो गई, एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट लोकेशन इज़ वैष्णो देवी. ठीक है, वैष्णो देवी माता का मंदिर जो है वो भी उसके पास से चेनाब जाती है, बट अगेन बिकॉज इट इज़ अ हिल, तो उसके ऑब्वियसली उसके नीचे से उसके पास से जाएगी. ओके, एंड देन देयर इज़ अ रामसर साइट हेयर विच इज़ द सुरिनसार मानसार लेक. ओके, ट्विन लेक है, ट्विन लेक बोलते हैं इनको, एंड दिस इज़ द रामसर साइट इन दिस पर्टिकुलर एरिया. इसके ऊपर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगी, दिस इज़ द झेलम, ये यहाँ पे दिस इज़ द झेलम, और ये कहाँ से आ रही है, इस एरिया से आ रही है. ठीक है, यहाँ से वेरीनाग द पीर पंजाल रेंज. ठीक है, द पीर पंजाल रेंज, फिर इसके ऊपर गई यहाँ पे, एंड यू विल सी सबसे पहले इट गोज़ थ्रू द लेक वूलर विच इन इट सेल्फ इज़ अ रामसर साइट. ठीक है, लेक वूलर को फीड किया और उसके बाद आगे निकल गई इधर, यहाँ पे इट गोज़ इन टू पाकिस्तान. ठीक है, फिर देन द नेक्स्ट थिंग इज इसकी एक ट्रिब्यूटरी बनती है ऊपर, जिसको नीलम रिवर भी बोलते हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली किशन गंगा. तो ये यहाँ पे कृष्णा सागर लेक से निकलती हुई, ठीक है, फ्रॉम द जस्कर रेंज. तो अगर पूछे झेलम कहाँ से निकल रही है, पीर पंजाल. ओके, एंड ये क्या बोलते हैं, किशन गंगा कहाँ से निकल रही है, जस्कर रेंज. तो यहाँ से निकली, ऊपर गई, एंड देन इट गोज़ इन टू पाकिस्तान एंड मीट्स विद झेलम. ठीक है, तो ये चीज़ अपन याद रखेंगे थोड़ी सी अबाउट द रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, समझ में आ गया, नीचे चेनाब, फिर ऊपर यहाँ पे झेलम और उसके ऊपर किशन गंगा, यही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नीचे हमने सुरिनसार मानसार देख लिया, अब लेट अस लुक एट हियर. तो देखो सबसे पहले एक ये मैंने बताया आपको, दिस पर्टिकुलर थिंग लेक वूलर, दिस इज़ अ रामसर साइट, द सेकेंड रामसर साइट इज़ होकेरा, जो यूपीएससी ने पूछ भी लिया था लास्ट ईयर. ठीक है, तो ये भी किस नदी के किनारे है, वही सेम झेलम के किनारे. एंड इम्पॉर्टेंट और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो देखो एक ये डल लेक है, ठीक है, फिर दूसरी यहाँ पे श्रीनगर भी यहीं पड़ता है बिल्कुल झेलम के किनारे पे, एंड देन इधर ये क्या है, दैट इज़ द सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क. तो सलीम अली नेशनल पार्क की एक खास बात क्या है कि यहाँ पे हंगुल मिलता है, हंगुल क्या है, कश्मीरी स्टैग. ओके, और यहाँ पे इसके बराबर में क्या है, द दच्चीगम नेशनल पार्क, जहाँ पे क्या मिलता है, मस्क डियर मिलता है. ओके, क्लियर, इतनी लोकेशंस है बस यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं. ये पूरा का पूरा जो एरिया, जैसे ये एतराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी हंगुल के प्रोटेक्शन के लिए है. तो ये जो पूरा एरिया है ये हंगुल के लिए, मस्क डिगर के लिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ गुड एरिया फॉर इट देम, प्रोटेक्शन के लिए भी, ब्रीडिंग के लिए भी, एवरीथिंग. क्लियर, रिवाइज करा दूँ फटाफट से. नीचे सबसे पहले चेनाब, चेनाब के थोड़ी सी दूर किश्तेश्वर. ओके, वहाँ पे चेनाब की ट्रिब्यूटरी मारवा, फिर यहाँ पे वैष्णो देवी, फिर नीचे सुरिनसार मानसार के ट्विन लेक, ऊपर जाओगे पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज के पास वेरीनाग है, वहाँ से क्या निकली, झेलम, पहले लेक वूलर को फीड किया, फिर आगे जाके यहाँ पे किशन गंगा इसको मीट कर रही है, किशन गंगा कहाँ से निकल रही है, कृष्ण सागर लेक से निकल रही है, जस्कर रेंज के पास से. ओके, इसको नीलम रिवर भी बोलते हैं, और ये यहाँ पे आके मीट कर गई. अब यहाँ पे क्या क्या है, झेलम के किनारे क्या क्या पड़ रहा है, सबसे पहले सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क विच इज़ फेमस फॉर हंगुल, श्रीनगर, डल लेक एंड दच्चीगम नेशनल पार्क जो कि मस्क डियर के लिए फेमस है. ऊपर जाएंगे तो श्रीनगर पड़ेगा अपने आप में, देन यहाँ पे आपका होकेरा वेटलैंड पड़ेगा और लेक वूलर की वेटलैंड पड़ेगी, बोथ ऑफ द विच आर रामसार साइट्स. क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चलो नीचे चलते हैं.
ये आ गया आपका, मतलब साइड में चलते हैं, ये आ गया आपका पूरा लेह लद्दाख वाला रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंदस रिवर है, इंदस रिवर कहाँ से निकलती है, वही तिब्बत मानसरोवर लेक ऊपर गई, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओगे जो इंडस रिवर एंटर करती है इंडिया में वो किस पास से करती है, ठीक है। फिर हम यहाँ ऊपर गए, ऊपर गए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या मिला, सोमोरीरी लेक मिली, जो अपने आप में एक रामसर साइट है एंड फेमस फॉर ब्लैक नेक्ड क्रेन, जो कि स्टेट बर्ड है जम्मू कश्मीर की अंदर, तिब्बतन शीप जो यहाँ पे एंडेमिक मिलती है, विच इज़ एंडेमिक टू दिस पर्टिकुलर रीजन। तो सोमोरीरी मिली सबसे पहले, फिर उसके बाद थोड़ी ऊपर क्या मिली, सोकर लेक, तसोकर, सोकर जो भी आप कहो, रामसर साइट है ये भी और इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। फिर इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या मिला, हैमिश नेशनल पार्क, जहाँ पे आपका स्नो लेपर्ड मिलता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेपर्ड और जो ये कैट्स हैं, बिग कैट्स हैं, ये यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो यहाँ पे ऊपर जब आप इस वाले रीजन में जाओगे, इंडिया और अक्साई चिन जो है, इंडिया एंड चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में, यहाँ पे आपको मिलेगी पेंगोंग सो लेक। अभी पेंगोंग सो लेक बहुत न्यूज़ में थी तो इसलिए याद रखना, दिस इज़ नॉट अ रामसर साइट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आपको दो ही रामसर साइट मैंने दिखाई है नीचे, सोमोरीरी एंड हेमिश नेशनल पार्क, ठीक है। सोमोरीरी एंड सोकर, क्या बोल रहा हूँ, सोमोरीरी एंड सोकर, ये दो ही मैंने आपको रामसर साइट दिखाई है यहाँ पे, और इसके ऊपर हेमिश नेशनल पार्क है जिसमें स्नो लेपर्ड है। तो जो पेंगोंग सो है ये एक सॉल्टी लेक है, ब्रैकिश वाटर, एंड इट इज़ नॉट अ रामसर साइट। समझ में आ गई बात, यही इंडस रिवर जब ऊपर जाएगी तो इसी पे क्या मिलेगा, लेह मिलेगा आपको आगे, इसी पे कारगिल इसके पास ही मिलेगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। और फिर ये आगे जाके इट विल टेक अ टर्न एंड देन डू इट्स थिंग। अब इसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी श्योक, ठीक है। श्योक कहाँ से निकलती है, ये देखो यहाँ से निकल रही है, फ्रॉम द रिमो ग्लेशियर, ठीक है। रिमो ग्लेशियर से निकली, अक्साई चिन होते हुए इंडिया आई और यहाँ पे आके आपकी मिल गई इंदस से। शोक की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, आप कोई पूछ ले नुब्रा कहाँ से निकल रही है, तो नुब्रा निकल रही है सियाचिन ग्लेशियर से, ये पूरा ऐसे सियाचिन ग्लेशियर है, ये रिमो ग्लेशियर ऐसे करके, तो नुब्रा कहाँ से निकल रही है, सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से निकली और आके शोक में मिल गई, शोक आगे जाके इंडस में मिल गई, और आगे गिलगिट बल्टिस्तान वाले रीजन में गिलगिट नाम की एक रिवर भी इंडस से मिलती है, ठीक है, क्लियर, ओके। अभी यहाँ पे ऊपर देख लो, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी रेंज हो गई, लद्दाख रेंज। देखो यहाँ पे हमने ऊपर कौन सी देखी थी, जस्कर रेंज, यहाँ पीर पंचाल रेंज, अभी यहाँ साइड में हम क्या देख रहे हैं, लद्दाख रेंज, इसके ऊपर ऑब्वियसली काराकोरम रेंज, ठीक है। तो काराकोरम रेंज में क्या है, इंडिया की सबसे ऊंची पीक द K2 कंचनजंगा, ओके। दिस इज़ द अक्साई चिन विच इज़ ऑक्यूपाइड बाई चाइना, एंड इधर दिस इज़ द रीजन ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान, सो दिस इज़ द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर इसको ऊपर देखोगे अगर, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, दिस इज़ द सियाचिन ग्लेशियर एंड द रिमो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से क्या निकली, नुब्रा, रिमो ग्लेशियर से क्या निकली, शोक। यहाँ पे डेपसांग प्लेन्स हैं, ये भी अभी न्यूज़ में थे विद रिगार्ड्स टू द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, ओके। फिर यहाँ पे ऊपर, बिल्कुल ऊपर यहाँ पे, दिस रीजन इज़ द शक्शागम वैली, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चाइना को सीसीड कर दिया था, ओके। ऑल ऑफ ऑब्वियसली पूरा ये इंडिया है, लेकिन इसमें अलग अलग रीजन्स क्या है, मैं आपको बस वो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देखी, सोकर और सोमोरीरी देखी जो कि रामसर साइट्स हैं। फिर क्या देखा आपने, नेशनल पार्क कौन सा इंपॉर्टेंट देखा, हेमिस जिसमें स्नो लेपर्ड मिलता है, और पेंगोंग सो लेक देखी जो कि रामसर साइट नहीं है, क्लियर हो गई बात। शोक और नुब्रा कहाँ से निकलती है ये याद रख लेना, यूपीएससी पहले ये ग्लेशियर्स और ये वाली रिवर्स पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चले आगे, ओके, सो नेक्स्ट दिस इज हिमाचल प्रदेश, ओके। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए रिवर्स देख लेते हैं, सबसे पहले दिस इज़ द चेनाब रिवर, चेनाब रिवर कहाँ से निकल रही है, बाराला चला, ओके। फिर इसके नीचे दिस इज़ द रावी रिवर, ये कहाँ से निकल रही है, बाराबंगल, ठीक है। और ये बाराबंगल से जब निकलती है तो इसके जस्ट थोड़ी दूर पे क्या पड़ जाता है, धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ जाती है, ओके। और उसके नीचे देखोगे अगर, तो ये ब्यास नदी है, ये रोहतांग पास से निकलती है, यहाँ पे ऐसे इग्लू बना हुआ है, उस इग्लू में बहुत छोटी सी एक धारा बह रही है, और वही धारा धारा धीरे 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 आगे जाके पूरी ब्यास नदी की फॉर्म ले लेती है, ठीक है। कहते हैं ऋषि व्यास ने यहाँ पे तपस्या करी थी, ओके। तो ये रोहतांग पास से निकली, और सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंद्रकीला का नेशनल पार्क मिलेगा, जिस जो और यहीं पे कुल्लू की कुल्लू की सिटी भी है। तो जैसे कुल्लू से थोड़ा ऊपर जाते हैं ना, कुल्लू पास होता हुआ, मतलब ये जो रिवर है ब्यास नदी, ये कुल्लू को पार करती हुई जाती है, और जब कुल्लू मनाली, मनाली से ऊपर जाते हैं रोहतांग पास पड़ता है, वहीं से ब्यास नदी नीचे और फिर कुल्लू से होते हुए आगे निकल जाती है। सो यहाँ पे इंद्रकीला नेशनल पार्क है कुल्लू, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको, हिमालयन आइबेक्स, ठीक है। फिर इसके नीचे यहीं पे जब ये नीचे आती है, तो ब्यास नदी पे ये क्या है आपकी, पोंग लेक है,
विच इज़ अ रामसर साइट। तो ये आप याद रखोगे, रामसर साइट्स आजकल इंपॉर्टेंट हो रखी है, कभी भी उठा के पूछ लेता है, लास्ट ईयर भी पूछ लिया था। तो यहाँ पे क्या मिल गई आपकी, पोंग लेक। क्लियर, ये समझ में आ गया इधर का रीजन। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो, अब ये सबसे पहले ये देखो, ये सतलज रिवर है, ठीक है, यहाँ पे आई। मैंने पूछा था आपसे कहाँ से एंटर करेगी तो बताना वो। फिर यहाँ पे ये सतलज रिवर, इसमें सबसे पहले क्या मिलती है, स्पीति रिवर मिलती है, और स्पीति रिवर जिस वैली से निकलेगी उसे क्या कहेंगे, स्पीति वैली, जो कि बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अब सतलज रिवर ये पूरा हिमाचल को पार की, ठीक है, यहाँ पे गोविंद सागर रिजर्वायर है, यहाँ पे इसके बैंक पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर ये गोविंद सागर, यहाँ से फिर ये आगे एंटर कर गए इनटू द अनदर एरिया। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखें, फिर इसके नीचे अगर यहाँ पे देखोगे तो यू विल फाउंड द रेणुका लेक। रेणुका लेक इज़ अ रामसर साइट, ऑफकोर्स पूछ चुका है यूपीएससी पहले ये क्वेश्चन 2018-19 में, एंड ऑल्सो इट इज़ अ नेचुरल साइट। क्यों समझ, देखो अभी यूपीएससी ने पूछा था कि विच ऑफ दीज इज़ अ नेचुरल साइट, ठीक है, उसमें बाकी सब साउथ इंडिया के दे रखे थे और एक रेणुका लेक दे रखी थी। आप एक बात सोचो, जो आपको पता चल गया कि रेणुका लेक जो है वो ऊपर पहाड़ियों में है, हिमाचल में है, अब आप मुझे बताओ वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक खोदने की ज़रूरत क्या है, इतने ग्लेशियर्स हैं, इतनी रिवर्स हैं, सब कुछ है, टोटल टाइम पानी रहता है, तो वहाँ पे ज़रूरत ही क्या है आपको कि आप, या फिर कैसे खोदोगे, इतना टफ टेरेन होता है उसमें, हाउ विल यू डग एन आर्टिफिशियल लेक, यू विल नॉट बी एबल टू, राइट। सो दिस इज़ द रेणुका लेक, इट इज़ अ रामसर साइट एंड एन इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय द कमीशन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी सिंबलबाना का नेशनल पार्क है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर इसके ऊपर चलते हैं, यहाँ पे इस वाले एरिया में आ जाते हैं। तो देखो ये वाला जो एरिया है, जो स्पीति वैली जिसको पूरा ड्रेन करती हुई आ रही है, स्पीति रिवर जिसको ड्रेन करती हुई आ रही है और आगे आके सतलज में मिल रही है, इस वाले रीजन को बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। एक ही चीज़ बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें, सो उनको क्या लगता है जो कोल्ड डेजर्ट है वो लद्दाख वाला रीजन है, नहीं, ये गलती मत करके आना, कोल्ड डेजर्ट इज़ इन हिमाचल, नॉट इन लद्दाख, क्लियर। तो ये वाला जो पूरा एरिया है जिसमें सबसे पहले क्या पड़ती है, चंद्रताल की रामसर साइट पड़ती है, सेकंड नंबर पे क्या है यहाँ पे आपका, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, और यहाँ पे आपकी पिन वैली का नेशनल पार्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें, ये पूरा एरिया, दिस इज़ द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे ये जो स्पीति वैली है, ये यहाँ से कुंजम रेंज से निकलती हुई इसको ड्रेन करती हुई आती है, और यहाँ पे आप दो नेशनल पार्क और देखोगे, एक खीर गंगा और एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो देखो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है, ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं है, यही कंफ्यूज करता है यूपीएससी, वो ग्रेट हिमालय बोलेगा, आप ग्रेट हिमालय सोच के ऊपर मारोगे, नहीं, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। हो गया क्लियर, बात समझ में आ गई। रिवर्स इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, सतलज निकली सबसे पहले नीचे, गोविंद सागर डैम देख लिया, उसमें स्पीति रिवर मिली, वो कहाँ से आ रही है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व से आ रही है। उसके ऊपर यहाँ पे ब्यास नदी देखोगे रोहतांग पास से निकलती हुई, पोंग लेक एक रामसर साइट है उस पर, उसके ऊपर देखोगे तो रावी रिवर है, रावी रिवर बाराबंगल से निकल के और नीचे आ गई, और सबसे ऊपर आपकी चेनाब रिवर है जो कि बारालाचला पास से निकल रही है। क्लियर, चले, हो गया ये भी, ओके, नाउ लेट्स एंटर पंजाब। तो पंजाब में सबसे पहले सबसे नीचे का देख लेते हैं ताकि फिर ऊपर का देख सके आराम से। यहाँ पे अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो ब्लैक बक की प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, ये चीज़ क्योंकि न्यूज़ में रहता है तो आप हल्का से इसको याद रख सकते हैं। फिर इसके ऊपर जाओगे यहाँ पे, तो दिस इज़, यहीं से आपकी सतलज रिवर जो है वो एंटर करी थी इनटू पंजाब। ये देखो जो मैं बता रहा था ना, ये वाला जो डैम है द गोविंद सागर लेक, ये रहा देखो, ये रहा ना द गोविंद सागर डैम, द गोविंद सागर लेक, द गोविंद सागर रिजर्वर, यहीं से, और इसी पे क्या है आपका भाखरा नंगल डैम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस रिजर्वर के बाद ही आपको क्या मिलता है, आपका भाखरा नंगल डैम मिलता है, ओके। अच्छा मैंने बता ही दिया, चलो, सतलज जिस पास से इंडिया, मतलब इधर इंडिया में गुजर निकलती है उसको बोलते हैं शिपकिला पास, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, दिस विल बी शिपकिला पास, कहाँ पे आएगा आपका, जहाँ पे सतलज एंटर करती है, ठीक है, क्लियर। तो हाँ, इसको ऊपर से देखते हैं, चलो ऊपर से ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया था, देन दिस इज़ द रावी रिवर, रावी रिवर वहीं से देखी थी हमने, बाराबंगल से निकलती हुई एंड इधर आके ये पंजाब में से निकल जाती है। इसके जस्ट नीचे क्या है यहाँ पे, केशवपुर मियामी, केशवपुर मियामी क्या है आपका कम्युनिटी रिजर्व एंड इट इज़ ऑल्सो वॉट इम्पॉर्टेंट रामसर, ओके। फिर इसके नीचे आपकी ब्यास रिवर है, ये मैंने बताया था रोहतांग पास से निकलती है, कुल्लू जो है वो इसके ही उस पर है, तट पे है। फिर ब्यास रिवर इधर निकली, यहाँ पे आपको दो कौन से इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स देखने को मिलेंगे, एक नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पेंगोलियंस,
एंड दूसरा आपको कंजली वेटलैंड देखने को मिलेगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इनके पास से ब्यास रिवर निकली, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा सतलज रिवर आती हुई। सतलज रिवर जब सबसे पहले आएगी तो यहाँ पे आपको नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, एंड ये आपका ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है जो ब्यास नदी के किनारे मिलेगा। सो दिस इज़ द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, दिस इज़ द नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस इज़ द कंजली वेटलैंड। ये तीनों इसी ड्रेनेज एरिया में पड़ते हैं, ठीक है। तो ब्यास के ड्रेनेज एरिया में कौन कौन से पड़ते हैं? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एंड कंजली वेटलैंड, और एक वेटलैंड जो नंगल का है जहाँ पे इंडियन पेंगोलिन मिलती है वो सतलज के बेसिन में पड़ गया। क्लियर? ओके, फिर ये आगे आए और यहाँ पे जहाँ पे मीट करे वहीं पे क्या है आपका हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड दिस इज ऑल्सो वॉट अ रामसर साइट। तो कई सारे रामसर साइट हो गए यहाँ पे, देखो कौन कौन से। सबसे पहले ऊपर केशो पर मियामी, ये किसके बेसिन में? रावी के बेसिन में। देन कंजली वेटलैंड एंड ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये ब्यास के उस पर एज इन बेसिन में। देन यहाँ पे नीचे दो कौन कौन से, एक आपका नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एक रोपर। तो ये जो दोनों पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं किस पे? सतलज पे, सतलज के बेसिन में। एंड देन लास्ट में जहाँ आपकी ब्यास जो है वो सतलज से मीट करती है वो क्या है? हरिके, हरिके वेटलैंड। ओके, समझ में आ गया? तो कितने देख लिए अपने यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, फटाफट एक बार, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में इंडस रिवर डॉल्फिन मिलती है, नांगल में इंडियन पेंगोलिन मिलता है, इसलिए दो चीज़ के बारे में बस ये याद रख सकते हो आप। क्लियर? फटाफट देख ले, दिस इज़ द सतलज रिवर जो यहाँ से निकली आपकी। सतलज रिवर इधर से आई, सबसे पहले भाखरा नंगल डैम, फिर इस पर दो रामसर साइट्स नंगल एंड रोपड़, फिर ये आ गया यहाँ पे इट मीट्स विद ब्यास जहाँ पे हरिके वेटलैंड, और ये आगे चली गई इनटू पाकिस्तान। ये है आपके ब्यास रिवर, ब्यास रिवर एंटर करी, यहाँ पे आपके दो वेटलैंड पड़ेंगे, एक कंजली और एक ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, और ये यहाँ पे आके मीट कर गई। फिर ये ऊपर आपकी रावी रिवर बाराबंगल से निकल के एंड ऊपर होते हुए यहाँ पे आई और पाकिस्तान में एंटर कर गई। सो आपको इस पूरे से क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक नदी ब्यास ऐसी है जो इंडिया में मिल जाती है, बाकी सब आगे जा रही है। ये देखो झेलम, चेनाब, है ना, रावी, सतलज, सिर्फ ब्यास आपकी ऐसी है जो इंडिया में मिलती है, बाकी सब आपके आगे जा रही है। सो ये चीज़ आपको क्या रखनी है? याद। ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता। क्लियर? चले आगे, ये हो गया आपका हिमाचल। देन वी मूव इनटू हरियाणा। सो हरियाणा में यहाँ पे आपकी घग्गर रिवर है, दिस इज़ द घग्गर रिवर, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, टोंगरी है, मारकंड है, मारकंड की ट्रिब्यूटरी सरस्वती है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब शिवालिक रेंज यहाँ से निकल रही हैं। फिर इधर से आपके यहाँ पे कालेश्वर नेशनल पार्क है हरियाणा का, और ये यमुना रिवर है, यमुना रिवर यहाँ से जाती है, फिर दिल्ली से जाती है, फिर ये यूपी, और ऐसे आगे चलती चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है हरियाणा में? एक आपको याद रखना है भिंडवास लेक है जो एक रामसर साइट है, कि यहाँ पे साहिबी रिवर है, ये इस पे मिलती है भिंडवास लेक, और दूसरा आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि एक रामसर साइट भी है। ओके, बस दो ही चीज़ें यहाँ पे याद रखने वाली, क्या? एक है आपकी भिंडवास लेक जो कि एक रामसर साइट है, और दूसरी रामसर साइट सुल्तानपुर की, ठीक है। फिर यहीं पे दिल्ली भी कवर कर लेते हैं, तो दिल्ली में बस एक असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस इज़ नॉट अ रामसर साइट और समथिंग लाइक दैट, और सूरज कुंड का मेला जहाँ लगता है दिल्ली फरीदाबाद के बॉर्डर पे, दिल्ली हरियाणा, वो भी यहीं पे लगता है। ओके, क्लियर? यही है, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं, तो इतना ही आपको इसमें याद रखना है। ये दिस इज़ अ रिवर सिस्टम एंड दिस इज़ यमुना मेजर रिवर। इसके यहाँ पे बैंक पे यहाँ पे आपको कालेश्वर नेशनल पार्क मिल जाएगा, नीचे आपको यहाँ पे भिंडवास रामसर और सुल्तानपुर रामसर मिल जाएंगे। दिल्ली में असोला भाटी एंड सूरज कुंड का मेला याद रख लो। सूरज कुंड का मेला वैसे दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे लगता है फरीदाबाद में, तो उसको दिल्ली में नहीं काउंट करेंगे। दिल्ली में सिर्फ एक चीज़ याद रखो, असोला भाटी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज़ में थी क्योंकि इसका कुछ रेजुविनेशन किया था, इसको प्रोटेक्ट किया था अभी। चलिए, समझ में आ गया हरियाणा, इतना कुछ था नहीं इसमें। नाउ लेट्स कम टू लास्ट वन विच इज़ आपका राजस्थान, ठीक है। ऊपर से शुरू करते हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ब्लैक बक प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है। काफ़ी सारी है इंडिया में, मैं साउथ से बताता हुआ आ रहा हूँ आपको सारी, ठीक है। मैंने गुजरात में बताई थी, तमिलनाडु में भी बताई थी। ओके, तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक बक इज़ एंडेमिक टू राजस्थान, तो याद रखना आपको इसका आंसर नो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इंडिया में कई जगह कवर कराया है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ ये हो गई। फिर यहाँ पे आपका ये पूरा एरिया है द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट। ओके, अब ये ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट है,
ओके, इसमें डेजर्ट नेशनल पार्क है पहली चीज़, बीकानेर भी यहीं पड़ता है और आपका जैसलमेर भी यहीं पड़ता है। ये वाला एरिया मैंने घूमा नहीं आ सकते, मुझे घूमना है। तो बीकानेर जैसलमेर इस पूरे एरिया में ही पड़ता है। डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, विच इज़ द स्पीसीज दैट इट इज़ नॉन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, क्या पूछा था यूपीएससी ने, बतानो बताओ। चलो लेट्स फिल दिस ब्लैंक। ओके फिर इधर आते हैं, यहाँ पे आपका अलवर पड़ता है और ये एक वो भी है रिलीजियस साइट भी है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर इधर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका सबसे पहले, इधर से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। सबसे पहले यहाँ पे अजमेर है, ठीक है, दिस इज़ आ अजमेर फोर्ट, और यहीं पे आपका क्या पड़ता है, सरिस्का का टाइगर रिजर्व। तो पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे सरिस्का का टाइगर रिजर्व। दूसरा आपकी एक रामसर साइट याद रखनी है जो भरतपुर के पास पड़ती है, विच इज़ द केवलादेव घाना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ना रामसर साइट, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। फ्रेश वाटर स्वैम्प, साइबेरियन क्रेन, ये सब यहाँ पे देखने को मिलती है। दो चीज़ें हो गई, पहला सरिस्का, दूसरा केवलादेव घाना, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे ट्राई जंक्शन ऑफ एमपी यूपी एंड राजस्थान, ट्राई जंक्शन ऑफ एमपी यूपी एंड राजस्थान, इस एरिया में क्या दिख रहा है आपको, क्या मिल रहा है, नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस पूरे एरिया में से ही वो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने जो घड़ियाल वाला पूछा था, ठीक है। एंड दिस इज़ द चंबल रिवर, ये आपकी नीचे से आके ऐसे, मैंने बताया था पहले भी, ये करा चुका हूँ मैं कवर, ये चंबल रिवर यहाँ ऐसे नीचे से आई और इधर ये कर गई, इधर एंटर जाके यमुना में मिल जाएगी, ठीक है। इसकी ये दो ट्रिब्यूटरीज, अगर किसी को एमपी वाला याद है तो मैं तब भी बताया था, काली सिंध जो कोटा जाके मिलती है और पार्वती, ये दो इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो नीचे से आ रही है। ओके क्लियर, हटा दे इसको ज़रा, ठीक है। फिर यहाँ तक हमने कर लिया, फिर इसके नीचे अगर आओगे तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये दिस इज़ द रणथंबोर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दो रिवर्स के बीच में पड़ता है, द बानस रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल एंड द चंबल रिवर इन इटसेल्फ, इसके बीच में आपका क्या पड़ता है, रणथंबोर नेशनल पार्क पड़ता है। और यहीं पे एक तीसरी रिवर भी है, मेज या मजे जो भी इसको बोलोगे, ये रिवर है, ये भी आके आपके राजस्थान के चंबल में मिल जाती है। ओके तो ये चीज़ें याद रखनी है, दिस इज़, देखो ये वाली एमपी की बाउंड्री है ना, ये दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ एमपी। ओके क्लियर, तो देर आर थ्री रिवर्स जो यहाँ पे, तीन चार रिवर मिल रही है जहाँ पे रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क उसके बीच में उस पर्टिकुलर रीजन में पड़ता है। तो अगर पूछे कि ये बेसिन में है क्या बानस के या फिर ऐसे चंबल के, तो हाँ चंबल के बेसिन में है ये, क्योंकि बानस वगैरह भी इसी की ट्रिब्यूटरी है ना। ओके फिर यहाँ पे मजे रिवर जो है ये किसके पास है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, 52nd टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था ये रामगढ़ विषधारी, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये याद रखना। देन यहाँ पे अगर देखोगे तो चंबल जो है वो निकल के जाती है, तो यहाँ पे दो वो पड़ते हैं रिजर्वर पड़ते हैं, तब भी बताए थे मैंने, एक आपका गांधी सागर जो कि एमपी में पड़ता है और दूसरा ऊपर राणा प्रताप सागर, ये मैंने एमपी वाले लेक्चर में भी बताई थी चीज़। और इसके जस्ट बराबर में आपका एक और टाइगर रिजर्व पड़ता है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुकुंदरा हिल्स का टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क। ओके तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स में जाके पूरा का पूरा आता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सरिस्का का टाइगर रिजर्व, फिर यहाँ पे दूसरा केवलादेव घाना का नेशनल पार्क भरतपुर के पास, फिर तीसरा चंबल और बानस और मजे इन सब के जो बेसिन में पड़ा, सबसे पहले हमने क्या, रणथंबोर नेशनल पार्क, फिर हमने मजे किसके किनारे देखा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, फिर नीचे हम आए तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक और टाइगर रिजर्व देखा मुकुंदरा हिल्स। ओके दो यहाँ पे रिजर्वर देखे, एक एमपी में गांधी और राजस्थान में राणा प्रताप सागर, चंबल की ट्रिब्यूटरीज देखी, ऊपर यहाँ पे बानस, नीचे यहाँ पे मजे, और ये काली सिंध जो कि कोटा में मिलती है आके, और पार्वती। क्लियर हो गया ये वाला पूरा रीजन, चले इधर आ जाए थोड़ा सा। ओके तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक उदयपुर में आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलती है, देवहार, कोई रामसार वगैरह नहीं है, तो इसलिए याद रख लेना कि रामसार ये नहीं है। तो रामसार जो है बस वो याद रख लो, यहाँ पे कौन कौन से रामसार देख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक आपको केवलादेव घाना दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा रामसार आपको दिख रहा है यहाँ पे सांबर सॉल्ट लेक, सॉरी, ठीक है क्लियर। फिर इस वाले रीजन से यहाँ पे आओ, दिस इज़ द बानस, बानस कहाँ से निकल रही है आपकी, यहाँ इन वाले अरावली वाले रीजन में ही हिल्स हैं अलग अलग, तो ये खामनूर हिल्स है, यहाँ से आपकी बानस निकली एंड देन आगे चली गई, दिस इज़ द एंटायर अरावली रेंज, नीचे से ऊपर तक आ रही है ये सारी की सारी। इसी में टॉप पे यहाँ पे क्या मिलती है आपकी, सांभर लेक मिलती है, विच इज़ अ रामसर साइट। अब इसके नीचे आपकी लूनी रिवर शुरू होती है नियर अजमेर एंड पुष्कर, तो अगर पूछे कि लूनी रिवर, कैसे गलती कराएगा यूपीएससी, बोलेगा जो लूनी रिवर है वो ये सांभर सॉल्ट सांभर लेक से होती हुई जाती है सांभर लेक से होती हुई, नहीं बोलेगा सांभर लेक में फीड करती है, ये नहीं करती है, ठीक है। आगे आइए और इधर आपकी फिर नीचे एंटर कर जाएगी और गायब हो जाती है लूनी रिवर,
ठीक है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे बनती, एक है जवाई, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे ये पूरी की पूरी अरावली रेंज, यहाँ से हमने बानस निकलती है वो देख लिया, नीचे आपका माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली माउंट आबू हिल्स पे होगी, माउंट आबू हिल्स पे होगी ये। और इसकी जो सबसे ऊंची पीक है वो कौन सी है? द गुरु शिखर पीक। क्लियर हो गया ये वाला रीजन, समझ में आ गया? यहाँ पे कुंभलगढ़ रनकपुर का जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है नियर द खामनूर हिल्स, बट अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आ गया पूरा का पूरा समझ में? और कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है, रिवाइज करा दूँ फटाफट से एक बार। चलो देखते हैं इसको कैसे रिवाइज कराऊँ, बहुत ज़्यादा फैल गया, कोई नहीं, जस्ट लेट मी रेज इट। चलो इसको फटाफट से एक बार रिवाइज करो। देखो सबसे पहले ऊपर आपने क्या देखा? ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे ब्लैक बक कंजर्वेशन होता है। इधर आपने देखा डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि जैसलमेर और बीकानेर के पास पड़ता है। फिर इधर आपने देखा यहाँ पे अलवर की रिलीजियस साइट, यहाँ पे देखा आमेर और आमेर का किला देखा आपने यहाँ। फिर यहाँ पे आपने देखा सरिस्का नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। देन आपने देखी रामसर साइट ऑफ केवलादेव घाना। फिर आपने देखा यहाँ पे भरतपुर के किनारे पड़ता है ये, तो यहाँ पे अलवर, भरतपुर, आमेर, ठीक है। फिर आप नीचे आपने देखा ट्राई जंक्शन है नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसके नीचे आपने यहाँ पे रणथंभौर देखा, तीन नदियाँ बानस, मज़े और चंबल। चंबल की ट्रिब्यूटरीज देखी आपने काले सिंध एंड पार्वती, और यहाँ पे ऊपर बानस एंड मज़े, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा रणथंभौर, और यहाँ पे आपने नीचे देखा रामगढ़ विषधारी का टाइगर रिजर्व, ठीक है। रणथंभौर का टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधारी का टाइगर रिजर्व, ये दोनों इसी वाले रीजन में पड़ते हैं, इसी बेसिन में पड़ते हैं। इसके थोड़े नीचे आओगे तो यहाँ पे काली सिंध और चंबल के बेसिन में क्या पड़ता है? मुकुंदरा हिल्स का टाइगर रिजर्व। तो अगर पूछ ले कि चंबल जो है उसके मतलब इनमें से कौन कौन सा टाइगर रिजर्व चंबल के बेसिन में पड़ता है, तो हाँ रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा, ये सब पड़ते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे आपका गांधी सागर, यहाँ पे राणा प्रताप सागर। फिर आप इधर आए, आपने देखा है लूनी रिवर है, ये अजमेर और पुष्कर के पास से निकल रही है, आगे जाके गायब हो जाएगी ये। और यहाँ पे आपकी दूसरी रामसर साइट है, एक थी आपकी केवलादेव घाना जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, और दूसरी ये है जो कि है सांभर सॉल्ट लेक। क्लियर, ये अरावली की हिल्स है, ये माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी सबसे बड़ी पीक गुरु शिखर। बस आपको इतना ही इसमें पूरे में याद रखना है। ये सांभर लेक के बारे में दे रखा है कि जो लूनी है वो उसका पार्ट नहीं है, और कुछ छोटी छोटी जो सीजनल रिवर्स हैं वो इसमें ड्रेन करती हैं, बट ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको लूनी वाली बात याद रखनी है। क्लियर सर, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने अपने अलग अलग स्टेट्स कवर कर ली। दिस वाज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिस वाज द मतलब एरिया ऑफ, एंड दिस वाज देन लद्दाख, देन वी डिड हिमाचल प्रदेश, देन वी डिड क्या क्या, फिर हमने पंजाब, फिर हमने किया हरियाणा, फिर हमने हरियाणा एंड दिल्ली, और फिर लास्ट में हमने किया राजस्थान। तो इसके साथ आपकी ये वाली मैपिंग सीरीज का लेक्चर भी खत्म हो रहा है, एंड आज ही आपका नॉर्थ ईस्ट पे जो लास्ट लेक्चर है मैपिंग सीरीज का वो आ जाएगा। तो पीडीएफ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मेरे को बस उसको रिकॉर्ड करना है एक बार, उसमें कुछ एडिशंस करके बस उसको लास्टली रिकॉर्ड करना है। तो आई होप दिस सीरीज इज़ हेल्पफुल, इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, जस्ट लगा के बैठिए। ये चीज़ें लास्ट वीक में ही करी जाती हैं, तो अभी जब लास्ट वीक है, शुरू होने वाला है, इनको बस प्लग इन करिए, बैठिए, आपके लेक्चर्स लंबे नहीं हैं, आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ भी इंप्रूवमेंट का स्कोप लगे, एक दो जगह शायद मेरे से कुछ चीज़ें मिस प्रोनाउंस हुई है, मैंने बाद में ठीक कर दिया, जैसे शायद स्टार्टिंग में मैंने इसको अजमेर बोल दिया था, बट ये आमेर है, मैंने उसको बाद में ठीक कर दिया, तो कहीं मिस प्रोनाउंसिएशन हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये पीडीएफ आपको अंडरस्टैंड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, और इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट के पिंड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ सत्यम जैन फॉर द टाइम बींग साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।